नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, मेरे WhatsApp पर मैसेज किया गया है, ये हमारे व्यूअर हैं, इन्होंने लिखा है, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर, मेरा नाम अमरजीत है, बाराबंकी के पास एक गांव से हूँ, दिल्ली फरीदाबाद में एक पब्लिक सेक्टर में कार्यरत हूँ। सर, काफ़ी दिनों से आपको फॉलो करता हूँ। सर, सिर्फ अप्रूवल की वजह से कोई प्लॉट नहीं खरीद पा रहा हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं सर, तो मैं इनके सवाल पढ़ के सुनाता हूँ आपको, और इस वीडियो में इन सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सवाल एक आम आदमी के हैं, भले अमरजीत सिंह जी ने हमसे पूछे हैं, और इससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं, तो सारे लोगों के लिए ये इसके जो उत्तर हैं प्रभावी होंगे। तो मैं पढ़ता हूँ सवाल, इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, LDA मास्टर प्लान 2031 क्या लागू हो चुका है, और यदि हाँ तो आम आदमी उसको कहाँ से प्राप्त करे और कैसे देखे। क्वेश्चन नंबर 2, अगर कोई प्लॉट लखनऊ मास्टर प्लान से बाहर है, जैसे बाराबंकी के समीपवर्ती क्षेत्र में है, तो उसका नक्शा किस अथॉरिटी से अप्रूव होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, गांव में आने वाली कृषि भूमि को 143 परिवर्तित करवाने के बाद उसका नक्शा किस अथॉरिटी से अप्रूव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं इनके सवालों का जवाब देता हूं, और सिर्फ बाराबंकी और लखनऊ के संदर्भ में मैं ये जवाब नहीं दूंगा, मैं पूरे प्रदेश के संदर्भ में जवाब दूंगा, भले ही इन्होंने लखनऊ और बाराबंकी के बारे में लिखा है, क्योंकि नियम एक है और समान रूप से पूरे प्रदेश पर वो प्रभावी है। तो सारे लोग इस वीडियो से अपने बात के अपने संदर्भित तत्व को समझ सकते हैं। तो पहले सवाल में इन्होंने लिखा है कि LDA मास्टर प्लान 2031 क्या लागू हो चुका है, और अगर हो चुका है तो आम आदमी इसको कहां से प्राप्त कर सकता है और कैसे देख सकता है। दोस्तों, ये लखनऊ के बारे में कि लखनऊ मास्टर प्लान 2031 काफी दिनों से, कई सालों से, लगभग 2 साल से प्रभावी है, और इसके प्रति आप लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय जाकर मास्टर प्लान की बुकलेट पूरी वहां से प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बारे में जो भी आपको जानना चाहते हैं उस लखनऊ मास्टर प्लान की बुकलेट के अंदर जान सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर भूमि का लैंड यूज देखना चाह रहे हैं, तो उस मास्टर प्लान में लगे हुए भूमि के उपयोग के चित्र से आप जान सकते हैं बृहद रूप से, मोटे रूप से। लेकिन अगर पर्टिकुलर पिन पॉइंट का लैंड यूज आपको जानना है, तो फिर आपको लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्लानिंग सेक्शन से व्यक्तिगत संपर्क करके, वहाँ के जो कर्मचारी लैंड यूज के लिए डिप्यूट है, उनसे संपर्क करके ही जान पाएंगे। आप स्वयं देख के उसमें लैंड यूज जान पाएंगे, ऐसी संभावना बहुत कम है। हाँ, बड़े क्षेत्र के रूप में आप जान सकते हैं, लेकिन पिन पॉइंट प्लॉट या किसी लैंड के लिए आपको LDA से संपर्क करना ही पड़ेगा। अब इसको विस्तार से पूरे प्रदेश के लिए बताते हैं। पूरे प्रदेश के 59 शहरों के अमृत योजना के अंतर्गत मास्टर प्लान बनाए जाने की क्रिया चल रही है, जिसमें लगभग 20 शहरों के नगरों के मास्टर प्लान बनके तैयार हो गए हैं। तो जहां जहां मास्टर प्लान बनके तैयार हो गए हैं, प्रभावी हो गए हैं, उन विकास प्राधिकरणों के या उन विनियमित क्षेत्रों के या उन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के मास्टर प्लान की कॉपी आपको उनके संबंधित कार्यालय में जाके प्राप्त हो सकती है, और वो कॉपी लेके या बुकलेट लेके आप उसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं, जो आप जानना चाहते हैं। दूसरा सवाल है, अगर कोई प्लॉट लखनऊ मास्टर प्लान के बाहर है, जैसे बाराबंकी के समीपवर्ती क्षेत्र में, तो उसका नक्शा किस अथॉरिटी से अप्रूव होगा। दोस्तों, ये भी पूरे प्रदेश के लिए हम समान रूप से इसका उत्तर देंगे। ये तथ्य पूरे प्रदेश पर प्रभावी है कि रेगुलेटेड एरिया है उसके पास, या कोई नगर पंचायत है, या कोई विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है किसी अथॉरिटी के बाहर के क्षेत्रों में, तो आपकी जमीन अगर उसके अंतर्गत है, तो उसी रेगुलेटेड एरिया से या नगर पंचायत से या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से आपका नक्शा पास होगा जिसमें वो स्थित है। अब बात आती है, इन्होंने तीसरा पॉइंट लिखा कि गांव में आने वाली कृषि भूमि को 143 परिवर्तित कराने के बाद उसका नक्शा किस अथॉरिटी से अप्रूव होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में फिर से मैं विस्तार से बता दूं, मैं काफी वीडियोज में इसके बारे में बता चुका हूँ। जिला पंचायत के संबंध में कुछ वीडियोज मैंने बनाए थे, उन वीडियोज में भी आप देख सकते हैं इस बारे में मैंने विस्तार से बताया। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि देखिए, प्रदेश में अगर आपका जो भूखंड है या भूमि है विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत आता है, मास्टर प्लान प्रभावी है विकास प्राधिकरण का, तो आपका विकास प्राधिकरण से गवर्न होगा, नक्शा पास होगा या नहीं होगा, उनके नियम प्रभावी होंगे। उनके नियमों के अंतर्गत आएगा तो पास होगा, नहीं होगा तो रिजेक्ट हो सकता है। अवैध कॉलोनी है, कोई लेआउट स्वीकृत नहीं है, रेगुलेटेड एरिया में आता है या विनियमित क्षेत्र में आता है तो वो पास करेगा। आपको पता करना है कि वहाँ पे विनियमित क्षेत्र है या नहीं है। नगर पंचायत में आता है तो वहाँ से पास होगा। इसके अलावा अगर आपकी जमीन ना तो विकास प्राधिकरण की सीमा में आती है,
ना रेगुलेटेड एरिया में आती है, ना नगर पंचायत में आती है, ना कैंट बोर्ड में आती है, ना भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय की सुरक्षित जमीनों में से आती है। उसके अलावा आपकी जमीन है गांव के रूप में, जैसे इन्होंने कहा है कि कृषि भूमि है और 143 करार लें तो कहां से नक्शा पास होगा। तो ऐसी जमीन है जो मास्टर प्लान के बाहर है, चाहे मास्टर प्लान रेगुलेटेड एरिया का हो, विकास प्राधिकरण को हो, या स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को हो, या नगर पंचायत के बाहर आती हैं, या कैंट बोर्ड छावनी परिषद के बाहर आती हैं, या भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय या रेल मंत्रालय के भारत सरकार की भूमि के बाहर आती हैं, तो जो बची हुई भूमि है वो सारी भूमि जिला पंचायत से गवर्न होती है और वहाँ का नक्शा 143 या धारा 80 इस समय कहते हैं उसको कराने के बाद जो उनके नियम है जिला पंचायत के, जिला पंचायत के बायलॉज प्रभावी हैं, वहाँ पर जिला पंचायत के बायलॉज के अंतर्गत ही आपके उस भूखंड का नक्शा पास होगा जो इन किसी प्लानिंग एरियाज में नहीं आ रहा, जो मैंने अभी विस्तार से बताई थी। प्लानिंग एरिया के बाहर, भारत सरकार की भूमि के बाहर, नगर पंचायत की भूमि के बाहर अगर आपकी जमीन है तो वो जिला पंचायत से गवर्न होती है और जिला पंचायत के बायलॉज के अनुसार ही उसी कृषि भूमि को गैर कृषक करा के जो भी उनके नियम है उनका पालन करते हुए, बायलॉज का पालन करते हुए ऐसे भूखंडों का नक्शा जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करूंगा। और अगर आप कमेंट के माध्यम से कोई ऐसा टॉपिक हमें देते हैं जो पूरे समाज के लिए उपयोगी हो सकता है जिसका उत्तर, तो मैं आपके कमेंट में दिए गए उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाता रहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल का लाभ उठा सकें। नमस्कार।